हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम पीतम सर। पीतम सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव में समझाएंगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि ऑपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार के वाक्य होते हैं। सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश डिज़ायर कर्स एंड ब्लेसिंग इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें इच्छा कर्स उसको हम श्राप देते हैं, ब्लेसिंग आशीर्वाद देते हैं, अगर ये चारों चीज़ें हैं या प्रार्थना करते हैं उसके लिए, तो वो हमारा सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार के वाक्य होते हैं ऑपरेटिव के। ऑपरेटिव सेंटेंस अधिकतर में से शुरू होते हैं और इनके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। देखिए सेंटेंस हमारा है मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, यानी ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। मे यू गेट फर्स्ट डिवीजन, इसमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको प्रथम श्रेणी प्राप्त हो। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, और आपको ईश्वर खुश रखे। इस प्रकार से ये ऑपरेटिव वाक्य हैं। देखिए और आगे गो टू हेल, इसमें हम किसी के लिए बुरी कामना कर रहे हैं, श्राप दिया जा रहा है उसे कि आप जहन्नुम में जाएं या नरक में जाएं। हेल मीन्स होता है नरक, और गांव में कहते हैं भाड़ में चले जाओ। तो ये सब एक ही बात है। रूल्स नंबर एक देखिए, ऑपरेटिव सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इसकी हम पैसे वॉइस इस प्रकार से चेंज करेंगे, और इसके चेंज करने का फॉर्मूला देखिए इस प्रकार। जब वाक्य में प्रार्थना होती है प्रे, उसका फॉर्मूला है इट इज़ प्रेड। ये हम सेंस के अनुसार आएंगे, जैसे कि प्रार्थना होगी तो इट इज़ प्रेड कर देंगे, और इच्छा है किसी की इट इज़ विश्ड हो जाएगा, और किसी को आशीर्वाद देंगे तो इट इज़ ब्लेस्ड हो जाएगा, और किसी को श्राप देंगे तो इट इज़ कस्ड हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें प्रार्थना होगी तो क्या इट इज़ प्रेड लगा देंगे, उसके बाद दैट आएगा, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मे या जो शेष वाक्य हैं उनका प्रयोग करेंगे। इच्छा में इसी तरह से इट इज़ विश्ड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे, फिर अदर सेंटेंस अदर शेष वाक्य आएगा। आशीर्वाद में इट इज़ ब्लेस्ड दैट सब्जेक्ट मे अदर सेंटेंस। इट इज़ कस्ड साप में दैट मे, फिर जो वाक्य शेष बचा है वो आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, किस तरह के एग्जाम्पल। मे यू गेट फर्स्ट डिवीज़न, इट इज़ विश्ड दैट यू मे गेट फर्स्ट डिवीज़न। तो पहले हमने ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी कामना कर रहे हैं हम, तो इट इज़ विश्ड दैट लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मे जो शेष वाक्य बचा है गेट फर्स्ट डिवीज़न, इसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार देखिए मे यू रिम रिम नष्ट हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं, तो ये हम किसी के लिए बुरी कामना कर रहे हैं, इसमें हो जाएगा इट इज़ कस्ड दैट यू मे रिम। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें किसी के लिए हम ये अच्छी कामना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जब कोई हमारे पैर छूता है तो हम उसे आशीर्वाद देते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, चिरंजीव रहो। तो इस तरह से मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, इसके लिए आएगा इट इज़ विश्ड दैट यू मे लिव लॉन्ग। नेक्स्ट हमारा है यू मे ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहें। इट इज़ प्रेड दैट यू मे ऑलवेज बी हैप्पी। देखिए जब ऑपरेटिव वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो पैसे वॉइस इस प्रकार से बनाते हैं। यानी पहले जो रूल्स नंबर एक था उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इट इज़ का प्रयोग किया गया था हमने, और अब इसमें ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें फार्मूला देखिए क्या है। मे आएगा फर्स्ट, सबसे पहले मे प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, यानी ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। देखो ये भी मे से शुरू हो रहे हैं, पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो इसमें देखिए फॉर्मूला के अनुसार मे आ गया पहले हमारा, फिर ऑब्जेक्ट है यू,
फिर आ गया वी आ गया जी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रांटेड, फिर सक्सेस मे ग्रांट सक्सेस, वाई लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा गॉड था उसको पीछे ले पहुंचा दिया बाय गॉड, तो मे यू बी ग्रांटेड सक्सेस बाय गॉड। नेक्स्ट एग्जांपल है मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, यानी ईश्वर आपको पुत्र दे, तो यू मे बी ब्लेस्ड विद अ सन बाय गॉड, तो यू मे बी ब्लेस्ड, तो मे लगा दिया हमने, फिर हमारा सब्जेक्ट यू आ गया, मे यू मे बी ब्लेस्ड विद अ सन बाय गॉड, यू था हमने आगे लाके इसको सब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये मे यू पास द IAS एग्जामिनेशन, कि आप IAS की परीक्षा में सफल हो जाएं, पास हो जाएं, आशीर्वाद है ये भी हमारा, तो मे द IAS एग्जामिनेशन बी पास्ड बाई यू। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द IAS एग्जामिनेशन है, तो हम इसको मे के तुरंत बाद ले आएंगे और वी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास की क्या हो गई, पास्ड हो गया, फिर हमने प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग करेंगे और फिर जो सब्जेक्ट था वो उसको पीछे लगा देंगे, यू हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, पीछे पहुंच गया वो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो मे गॉड पार्डन दिस सिनर, यानी ईश्वर इस पापी को क्षमा करे, पार्डन मीन्स क्षमा करना, सिनर मीन्स पापी, देखो मे दिस सिनर बी पार्डन बाय गॉड, यानी कि इस पापी को ईश्वर के द्वारा क्षमा किया जाए, तो ये इस तरह से ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं और इनकी इस तरह से ये एक्टिव से पैसिव बनाई जाती है, और इनको ध्यान से देखें, ये कंपटीशन में भी आ सकते हैं, एकेडमिक में तो इम्पोर्टेंट है ही ये, और इसके साथ साथ कंपटीशन में भी आ सकते हैं, सभी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं।